ये देखिए सूरज की रोशनी हमारे पे पड़ रही है तो साफ दिखेगा। बहुत तेज चमक रहा है सूरज। अरे मैं अपने किचन में और मेरी चाय पत्ती वगैरह डालेंगे तो आपको दिखाती हूँ। तो मैं फिर से उसी रूटीन पर, चाय बनाने की रूटीन पे चाय मेरा फेवरेट चाय, तो उसी रूटीन पे आ गई हूँ। आप सभी क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कुछ भी, जो भी है मेरी रोज़ की रूटीन, छोटी सी एकदम, बहुत ऐसा नहीं है कि हो जाए करना शुरू कर दी है फटाफट, तो इसमें थोड़ा सा धीमा कर दें तो अदरक डाल दें तो दिख नहीं रहा है, पुदीना अदरक अदरक को ना जरा भी गीला छोड़ दीजिए तो बस, आजकल के मौसम में तो एकदम पूरा गल जाता है। देखिए इतना बड़ा टुकड़ा मेरा गल गया। अच्छा है ना, अब इसे मैं प्लस कर दूँ तो तेज़ी से फलता दिखाई देगा। मस्त है ना कलर। आप सब भी इसी कलर का पीते हैं ना, और जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं और रास्ते पे कहीं पे चाय पीते हैं तो ऐसी खौली खौली कुछ चाय अच्छी लगती है ना, वो पूर्वे में मिल करके। तो चाय मेरी कंप्लीट, तो चाय छन जाएगी एक मिनट के, एक दो सेकंड के अंदर में ऑफ। चाय को कप में चम्मच और ये रहा इनका, एक एक बूंद निकलना चाय रेडी। देखिए दोस्तों टाइम हो रहा है 10:45 के आसपास, और मेरा नाश्ता आज बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट। ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, दलिया है आज, और मेरी फिर साथ में ये सब है जो आप देख ही रहे हैं, और ये मेरा फेवरेट टी। झांक के देख लीजिए इसके अंदर। तो आ गई, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा सुप्रभात और मेरे सभी छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो मनास्ता मैं ग्रहण करती हूँ और आप लोग को भी कराती हूँ। मैंने दिखाया मैं आज क्या खा रही हूँ, तो मेरा शुभारंभ
तो उसी से होगा। ये देखिए मेरा फेवरेट मूंगफली, कच्ची मूंगफली पानी में फुलाई हुई, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद। यह भगवान फिर हुई ये टुकड़ा अखरोट, क्या दो मेरा फेवरेट मिर्चा आधा ली हूँ, बुरा नहीं ली, बर्बाद नहीं करूँगी ना, तीता मिर्चा मिलता नहीं जल्दी, तो ये मेरा फेवरेट मिर्च, देखिए मैं कहाँ बैठ के खा। तो ये मेरा पहला बाइट, बहुत बढ़िया बना है। ये दलिया तो दो तरह से बनती है, एक नॉर्मल खिचड़ी टाइप से और एक ये उपमा टाइप से, तो ये भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है, वो तो ठीक ही है, अच्छा ही लगता है, लेकिन इसकी बाकी क्या है, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, मिर्चा मेरा फेवरेट, बहुत अच्छा हल्का, ज़्यादा तेल भी कुछ भी नहीं, ये मैं आज को आप लोगों को रोज़ बताती हूँ, बहुत हल्का टेस्टी टेस्टी। और ये मेरी फेवरेट टी बहुत जल्दी ठंडी होने लगती है इस बड़े कप में, तो ठीक है दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए, और क्या खा रहे हैं आप भी रोज ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, हमें भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे पर कमेंट कीजिए और अपना भी शेयर कीजिए, मतलब बता करके। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको आप लोगों को हमने धूप दिखलाया था ना, तुरंत बादल हो गया, एकदम घना बादल, ये देखिए धूप गायब। तो मित्रों आज का विचार यही है, हमारे बड़े द्वारा बताया गया कि आचरण की जो हमारी आचरण की एक बूंद होती है, आचरण की एक बूंद सिद्धांतों सलाहों और शुभ संकल्पों के समुद्र से अच्छी है। तो बस हम सभी अपने आचरण को अच्छा बनाएं सभी के लिए, कोशिश करें थोड़ा थोड़ा कोशिश से सब कुछ अच्छा होता है, हम भी अच्छे नहीं हैं पर सीख से थोड़ा यहाँ वहाँ स्किप से पढ़ करके जब इंसान समझता है तो थोड़ा थोड़ा अपने में भी उतारता है। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी भर से कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा उतारने की, कि किसी को कष्ट ना हो मेरे से,
किसी को कोई पीड़ा ना पहुँचे, बस यही है। कोशिश जारी रखना चाहिए, पूरी तरह से तो कोई भी एकदम तुरंत वैसा नहीं हो सकता। तो इसी कोशिश के साथ आज का दिन आप सबके लिए बहुत बहुत अच्छा हो। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और ज़िंदगी को खूब खुशी के साथ जी लें। बाय दोस्तों, बाय।